अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपसे नाश्ते वाले चने बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। नाश्ते वाले चने बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने सफ़ेद चने लिए हैं। चनों का साइज़ छोटा है, आपने बड़े साइज़ में चने नहीं लेने हैं। छोटे साइज़ में जो चने हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चनों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें तकरीबन 2.25 लीटर पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम रात भर के लिए भिगो देंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना जिसमें हम चने भी इसी पानी में हम बॉइल करेंगे, इस पानी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। चनों को हमने रात भर के लिए भिगो दिया था मीठा सोडा डाल के। 1 टीस्पून हमने मीठा सोडा ऐड किया था। अब इसी पानी में हम चनों को बॉइल करेंगे। 2.25 लीटर आपने पानी ऐड करना है। अब खुले मुँह वाली देचकी में आपने चनों को बॉइल करना है। बहुत ही मज़ेदार नाश्ते वाले चने बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और बहुत ही जायके में लाजवाब होते हैं। चनों को हमने मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है, साथ साथ इसके ऊपर झाग आती जाएगी, आपने साथ साथ उतारते जाना है क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था, इसलिए जब हम बॉयल करते हैं तो साथ इसमें झाग आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने स्टार्ट में झाग आएगी, आपने स्टार्ट में इसकी झाग उतार देनी 1 से 2 बार। जब उबाल अच्छे से आ जाएगा फिर आपने मीडियम फ्लेम पर चनों को बॉयल करना है। इसी पानी में आपने बॉयल करना है और पानी आपने ऐड नहीं करना है। ये देखिए चने हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, वे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, इतने ही नरम हमें चाहिए थे। चनों को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। आप चनों को पकाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ते वाले चने जो हम नान के साथ सर्व करेंगे, 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। आप घी में भी चने बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, रफली चॉप कर लिया था मैंने, वो ऐड कर दिया है। प्याज को हम पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका हुआ है, अब 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छे से भुनाई हो जाएगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें हम 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के आपने 1.5 टीस्पून भी ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इससे। साथ साथ आपने पानी ऐड करते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। आप इसी तरीके से आपने मसाला तैयार करना है। बाकी स्पाइसेस भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पीसी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले की बुनाई आपने थोड़ा थोड़ा पानी साथ आपने ऐड करते जाना है। अब साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले की बुनाई आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने अच्छे से बुनाई करनी, इतना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा, उतने ज़बरदस्त आपके चने बनेंगे। अब साथ ही हम दही ऐड कर देंगे। 1/2 कप मैंने दही लिया, दही को अच्छे से मैंने बीट कर लिया। साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 4 से 5 अदद आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करना है और साथ साथ आपने भुनाई करते जाना है। मसाले की हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर ली है लगातार चम्मच चलाते हुए। अच्छे से तरी भी आ चुकी हुई है। इस स्टेज पर आप तरी को थोड़ा सा सेपरेट भी निकाल सकते हैं, जो लास्ट में आप सर्व करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ी तरी सेपरेट भी कर सकते हैं। अब हम चने ऐड कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। अब चने भी हमने बॉयल किए हुए ऐड कर दिए हैं। चने ऐड करने के बाद आपने मज़ीद आपने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए 1 टीस्पून नमक मैंने और मज़ीद ऐड कर दिया है। और नाश्ते वाले चने को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए इसमें लास्ट में हम गर्म मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के।
जितना आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दें। और मज़ीद आप अगर इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादा आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं पीसी हुई। बहुत ही मज़ेदार नाश्ते वाले चने तैयार है। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड एग। नाश्ते वाले चने में अक्सर आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप अंडे भी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को अंडा पसंद है वो अंडे के साथ खाएंगे, अंडा सर्व कर दें उनके लिए आप। बहुत ही मज़ेदार नाश्ते वाले चने तैयार है जिसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। तिलों वाले नान के साथ खाएं, सादा नान के साथ खाएं, रोगनी नान के साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, नाश्ते वाले चने जो बहुत ही मज़ेदार है खाने में और फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।